सर्वज्ञता के अंदर जो दिखाई दे रहा है उसका भी विश्वास करना है, लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं कहा गया कि सर्वज्ञ भगवान ने कह दिया बेटा सब कुछ निश्चित है, काल लब्धि से तेरा मोक्ष होगा, काल लब्धि से निर्जरा होगी, काल लब्धि से सम्यक दर्शन होगा, काल लब्धि आने पर वैराग्य होगा। अगर ऐसा सब कुछ कहा होता तो उन्हीं तीर्थंकरों के द्वारा सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के लिए जो निसर्ग और अधिगमज ये दो कारण दिए वो नहीं दिए जाते। उन्हीं तीर्थंकरों के द्वारा कर्म की निर्जरा करने के लिए सविपाक और अविपाक निर्जरा के दो भेद दिए, वो दो भेद नहीं दिए जाते। और आचार्य अकलंक देव जैसे महान जो तार्किक आचार्य हुए हैं, महान उद्भट दार्शनिक आचार्य हुए हैं, उनकी राजवार्तिक की वो पंक्तियां इन बच्चों को कभी नहीं पढ़ाई जाती, जिनमें एक पंक्ति में लिखा है काला नियमाच निर्जरायाः। काल का अनियम है, नियम नहीं है निर्जरा करने के लिए। तुम्हें कभी भी कर्म की निर्जरा करना है तुम अपने पुरुषार्थ से कर सकते हो, काल उसमें कोई बाधक नहीं है। काल तो एक उदासीन कारण है, काल के माध्यम से कभी कर्मों की निर्जरा नहीं होती है, भाव से कर्मों की निर्जरा होती है। जब तुम्हारा भाव बनेगा तो काल तो हमेशा तुम्हारे साथ बैठा हुआ है, वही काल तुम्हारे लिए काल लब्धि बन करके खड़ा हो जाएगा। इसलिए आचार्य अकलंक देव कहते हैं काला नियमाच्य अनियमाच्य निर्जराया, निर्जरा के लिए काल का कोई नियम नहीं है। कोई अपने कर्मों की निर्जरा संख्यात हजार वर्ष में असंख्यात हजार वर्ष में कर लेता है, कोई अनंत काल में भी नहीं कर पाता। अगर काल ही नियामक होता निर्जरा करने का तो अनादि काल तो सबका, अगर हम बैक में काल देखें, टाइम बैक का देखें तो सबका एक समान है, क्योंकि इसका कोई हमेशा ओरिजिन पॉइंट तो है नहीं है कि भाई यहां से ये चीज शुरू हुई है, सबका अनादि काल एक जैसा है। अब काल से ही निर्जरा होती, काल से ही मोक्ष होता, तो जब दूसरों का मोक्ष हुआ तो सबका उस समय पर हो चुका होता, क्योंकि जिनका कोई भी काल आगे पीछे का नहीं है और प्रारंभ भी नहीं है, तो उस काल में जो सभी अनंत जीव आते चले जा रहे हैं, तो अनंत जीवों में कुछ जीव तो अनंत काल पहले मोक्ष हो गए, कुछ यहां से देखे तो असंख्यात वर्ष पहले मोक्ष हो गए, कुछ देखें तो अभी संख्यात हजार वर्ष पहले मोक्ष गए हैं, लेकिन अभी भी अनंत जीव हैं जो अनंत काल में मोक्ष जाएंगे। तो वह काल से ही निर्जरा होनी होती तो वह निर्जरा उनके साथ ही सबकी एक साथ हो जाती, सबको एक साथ मोक्ष जाने का प्रसंग आ जाता। ये काल से निर्जरा कब से होने लग गई, काल लब्धि के माध्यम से तप करके अविपाक निर्जरा अपने आप होने लग जाना, यह कहना भी अपने आप में गलत चीज है। इसलिए हमेशा समझ के चलना चाहिए कि सर्वज्ञ भगवान ने किसी भी लाइन में किसी भी अनियोग में यह नहीं कहा कि क्रमबद्ध पर्याय होती हैं।